अभी खरीद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मैच हुई फाइनल, देखो सूरत में कितना खुश हो गया। इंग्लैंड जीत गई, जिस दिन सुबह को मैच थी अखबारात में आया, वीडियो में आया, क्लिप्स आए, ऐसी बातें मीडिया ज्यादा प्रचार नहीं करती। जिस दिन सुबह को फाइनल मैच थी उस दिन रात को इंग्लैंड के कैप्टन, इंग्लैंड के अंदर रहने वाले दो मुसलमान, पक्के मुसलमान जिनके चेहरों पे नबी की सुन्नत चमक रही है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कैप्टन उनके कमरों को जाकर कहने लगा, एक का नाम मुईन अली और एक का नाम राशिद, कुछ है राशिद तो पक्का है, क्या बोलो तुम लगा बोलो, हाँ क्या आदिल रशीद, देखो कितने लखमे मिल रही है, आज फर्ज पढ़ाते पढ़ाते कहते भी कुरान में अटका तो इतना देंगे क्या। खैर दुनिया का इल्म भी रखो, दोनों के कमरे में जाकर कैप्टन ने अपना खौफ पेश किया, कल सुबह की मियाद से खौफ है। कैप्टन गया, जाने के बाद उन दो पक्के सच्चे गुलामा ने मोहम्मद के सामने अपना खौफ पेश करने लगा कि कल फाइनल में आज से बहुत परेशानी हो रही है, कोई तुम्हारे जहन में कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है तो वो पेश करो। तो उन्होंने कहा प्रोग्राम प्लान सब अपनी जगह पर, उनका कुछ नाम था, वो नाम लेकर कहने लगे आप इत्मीनान से जाकर सो जाइए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये जुमला उसके कान में पड़ गया, कहने वालों ने क्या कहा, अल्लाह हमारी मदद करेगा, ये जुमला उसके कान में पड़ गया। अब वो गया, अल्लाह ताला ऐसे हालात में इंग्लैंड को कामयाब किया, मंजे पूछना नहीं तुम्हें देखे क्या बोलकर, मेरे हाल अखबार पढ़े बताए, जीत जीत हुई अपनी जगह पर। जब वो पूरी जीत के बाद अपने मुल्क को गया, अपने मुल्क में मीडिया उससे सवाल कर रही है कि कामयाबी के बारे में आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान को ऐसे सेकुलरिज्म का सबक हासिल करना चाहिए, हम ये मोहब्बत, ये सेकुलरिज्म, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक हमारे मुल्क में था, पता नहीं कि कहाँ दफन हो गया, कौन छीन कर लेकर चले गए, कौन लूट कर लेकर चले गए, ये कोहे नूर के बारे में हम लड़ रहे हैं, कोहे नूर आया तो क्या, गया तो क्या, हमारे मुल्क की मोहब्बत भी गई है लेकर आओ, हमारे मुल्क का प्यार भी गया है लेकर आओ, हमारे मुल्क का सेकुलरिज्म भी गया है लेकर आओ। कोई राम कहता कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रहीम कहता कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई जमजम पीता कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई गंगा का जल पीता कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं कोई घंटी मारता कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं अजान होती कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दिवाली पर मुसलमान गैरों का साथ देते थे, ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर गैर मुसलमानों का साथ देते थे, ये सारी दुनिया में वाहिद मुल्क है। लेकिन आज हमारे मुल्क का निजाम चला गया, हमारे मुल्क का निसाब चला गया, हमारे मुल्क की मोहब्बत चले गई, एकतापन चले गया, सेकुलरिज्म चले गया। तो खर्च जब इंग्लैंड के अंदर उस कैप्टन को पूछा जाता है कि आपकी टीम जीती और आप क्या महसूस कर रहे हैं, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला अल्लाह का बंदा, उसके जुबान में तो ईसा का नाम आना था, यसु का नाम आना था, वो बजाए ईसा और यसु के कहने के वो अपने जुबान से मीडिया के सामने कहता है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ थी, हम कामयाब हो गए। अगर वही इंटरव्यू फाइनल में हमारी टीम हिंदुस्तान जीत कर आती और विराट कोहली के जुबान से लफ्ज अल्लाह निकल जाता तो आज पूरे मुल्क का क्या हाल होता, नोट ऑफ द पॉइंट। अल्लाह का नाम अगर हमारा मुल्क, हमारी टीम जीत कर आ जाती और विराट कोहली जो इस मुल्क के टीम के कैप्टन है उनके जुबान से अगर ये जुमला निकल जाता कि अल्लाह की मदद हमारे साथ थी
تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر میرے دوستوں، اللہ کسی ایک کا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہوں تو میرا نام دشمنوں کے منہ میں بند کر کے دوستوں کے منہ سے نکالوں، اگر میں چاہوں تو میرا نام دوستوں کے منہ میں بند کر کے دشمنوں کے منہ سے بھی نکالوں۔